कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो स्वाभाविक रूप से विकास की संभावनाएं और ज़्यादा उसमें जो है वो तेजी से आगे बढ़ती है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, पूरे देश भर के लिए उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज इसका जिक्र किया। हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आम बजट 2022 की सराहना की और सबसे पहले उन्होंने बजट के लिए पीएम सहित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। तो वहीं पीएम के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद पर भी बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन सहित पर्वतमाला योजना से हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा। इस बजट से आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और डिजिटल तकनीक से विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। हालांकि हमीरपुर में जब एयरपोर्ट को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में कभी भी किसी एक चीज को लेकर स्पेसिफिक घोषणा नहीं होती और एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं और बजट में इनके एलोकेशन बाद में होती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हवाई का मंडी में प्रोजेक्ट और हमीरपुर का रेलवे प्रोजेक्ट दोनों को ही लेकर कमोवेश एक तरह का जवाब दिया। कहा कि पुणे से हमीरपुर का जो रेलवे प्रोजेक्ट है वे हमीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है उसके आसपास कहीं उसके स्टेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है और एक तरह से उन्होंने इन दोनों ही प्रोजेक्टों को दरकिनार नहीं किया और कहा कि बजट में इनकी एलोकेशन बाद में ही होती है। पिछले 4 साल से बल एयरपोर्ट पर राजनीतिक माहौल गरमाया है। अगर लोकसभा चुनाव 2019 या उपचुनाव 2021 की बात करें तो हवाई अड्डे पर चुनाव लड़ा गया बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमीरपुर संसदीय का ट्रेन के मुद्दे पर लड़ा जाता है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर रह गया है जैसे कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ट्रेन जो 10 साल से भी अधिक समय से आ रही है। बल संघर्ष समिति इसको लेकर पहले ही विरोध में है कि ये हवाई अड्डा यहाँ नहीं बनना चाहिए और जयराम सरकार के समय से अगर पहले की बात करें तो हमेशा ही इस एरिया को हवाई अड्डे को बनाने को लेकर रिजेक्ट किया गया है। हालांकि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने जरूर इसे लेकर तेजी दिखाई है और जयराम सरकार का बड़ा प्रयास इसे स्थापित करने में अब तक रहा है। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि बजट में इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक स्पेशल ग्रांट का जो प्रोविजन रहता था वो 10,000 करोड़ का रहता था पहले, और स्पेशल असिस्टेंस के लिए जब हम आग्रह करते थे केंद्र के स्तर तो उसमें बहुत बड़ी कठिनाई आती थी मिलने के लिए, उसको 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, 10,000 करोड़ से उसको 1,00,000 करोड़ किया गया है। और 1,00,000 करोड़ का मतलब है कि बहुत सारे प्रदेशों को सीधे तौर पर जो प्रोजेक्ट जो बना करके तैयार करने हैं उसमें वो सहयोग मिलेगा और उस सहयोग के माध्यम से हम प्रदेश के विकास को और प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की दिशा में आगे बढ़ कर काम कर सकते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है पिछले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये अद्भुत है, बहुत सराहनीय है और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित है।